हम विचार कर रहे हैं, अगर हमें मौका मिलेगा, अगर ऐसे किसी मूवमेंट को लीड करने का, तो मैं रेडी हूँ, क्योंकि लोग परेशान हैं, पॉलिसीज नहीं पहुंच रही हैं, ऐसा हम करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के उनके स्टेटमेंट का दिल की गहराइयों से उसका वेलकम करता हूं, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मुल्क में लोग बीजेपी के गवर्नेंस से परेशान हैं, कांग्रेस कोई वायबल ऑल्टरनेटिव बन नहीं पा रहा है और ना बन सकता, और केसीआर ने पिछले चार साल में तेलंगाना में जो गवर्नेंस की है वो यकीनन बहुत ही बेहतरीन तरीके से गवर्नेंस की है। वो हमेशा से स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके उन्होंने अपने आप को साबित किया, एक एज अ गवर्नेंस में भी, एज अ चीफ मिनिस्टर और एज अ पॉलिटिकल लीडर। तो मैं इनके स्टेटमेंट का वेलकम करता हूँ, और यकीनन मैं समझता हूँ कि आज मुल्क में एक बहुत बड़ा एक वैक्यूम पैदा हो चुका है, और मेरा मानना, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि रीजनल पार्टीज़ जब कभी भी आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, इनका एक बहुत बड़ा रोल होगा, और मैं साथ ही साथ इस बात को मानता भी हूँ कि चंद्रशेखर राव इन तमाम नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज़ को जमा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, एक पिवट की तरह ये काम करेंगे, और हम वेलकम करते हैं उनका स्टेटमेंट का, और यकीनन इस मुल्क को आज ज़रूरत है इस तरह के लीडर्स की और इस तरह की सोच की। देखिए, मैं आपके शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि के चंद्रशेखर राव में वो काबिलियत भी है, वो एक्सेप्टेंस भी है जो इन तमाम पार्टीज़ को जमा कर सकते, उनसे बात कर सकते। मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूँ, मुझे छोड़ दी, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि के चंद्रशेखर राव के में इतनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, फोरसाइट है, पॉलिटिकल फोरसाइट भी है, क्योंकि पिछले चार साल में तेलंगाना में जो गवर्नेंस हो रहा है, और उससे पहले जो लोग कहते थे कि तेलंगाना फेल्ड स्टेट होगा, लोग केसीआर के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स करते थे, वो सब के सब खत्म हो चुके हैं। एक तो स्टेट बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेसिव स्टेट है, ये नंबर वन स्टेट है पूरे इंडिया में, और अपनी लीडरशिप को उन्होंने मनवाया है। तो मेरा मानना यह है कि एक जो वैक्यूम इस मुल्क में है कि कोई अल्टरनेट नजर नहीं आता बीजेपी के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूँ कि कल का उनका स्टेटमेंट ये बड़ा इंकरेजिंग है, और उन तमाम लोगों को सोचना पड़ेगा इस बारे में जो फिक्रमंद है इस मुल्क में, क्योंकि एक क्वालिटेटिव पॉलिटिकल चेंज की जो लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि केसीआर अगर आगे बढ़ेंगे, लीड लेंगे, तो यकीनन इनको और ज्यादा इसमें कामयाबी मिले। अगर ऐसा पहल होता है तो आप इसका सपोर्ट करेंगे और आप जमात में शामिल होंगे? क्या कह रहा हूं जब से आपसे, वही तो कह रहा हूं ना। आप अरे भाई, मेरे भाई, मैं जब उनके स्टेटमेंट का वेलकम कर रहा हूं, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनमें वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी, वो पॉलिटिकल सेगेसिटी, वो पॉलिटिकल फारसाइटेडनेस है उसमें, उनमें, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। सर, यू थिंक यस्टरडे चीफ मिनिस्टर केसीआर आल्सो हिंटेड एंड ओपन अप ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ हिम गोइंग टू दिल्ली एंड प्लेइंग अ रोल इन सेंट्रल पॉलिटिक्स, so you think he can become an alternative of Prime Minister Modi in 2019? Let me state the first thing, that is, I welcome his yesterday's statement. It is a statement which will have a far-reaching impact at national politics. And K. Chandrasekhar Rao, as a political leader, has proven himself, despite we opposing at that time whatever he was standing for, he got Telangana. Secondly, he has proven all pessimists wrong by giving a fantastic governance in last 4 years. Telangana has become is a progressive state. Telangana is now number one state in the whole of India. And I feel that Mr. Chandrasekhar Rao
can play a role, he can be, become a pivot against the against Congress and against BJP. So yeah, definitely when there's a vacuum in the country, when people are looking for an alternative, and also people are also, you know very well that the Congress is not able to match up to the BJP's machinery and their politics. So his statement has to be welcomed by each and everyone who are looking for an alternative, and I hope that he will take it forward. You will support, or you are supporting KCR as a prime minister? You see, now let us not stretch things to that extent. I would reiterate that K. Chandrasekhar Rao can definitely play and should play a very important role in getting all non-Congress, non-BJP political parties, and that is what he has hinted yesterday, and I hope that he will take it forward, because it is the need of the time, it is need of Indian politics that such sort of political formation should come forward. You think KCR has the ability of weaving an alliance with TDP, with Samajwadi Party, with Bahujan Samaj Party, with TMC, and other parties? Let us not speculate so quickly. He has given a statement, he has given his idea, and I'm sure that this will appeal to each and everyone, and let us see how he takes it forward, but I'm sure that he will be successful in what he's doing. Now it's almost a year for general election, 2019 election, and BJP is again showing its might in northeastern state and other part of country also. They won election. Forget about the margin between BJP and Congress in Gujarat, but they won in Gujarat also. So you think at this juncture, this is the high time all the smaller parties should unite and form. I am reiterating again that in the whenever the next parliament elections are held, it will be the regional parties who will be playing a very, very important role in the government formation, because the national parties, whether it is Congress or BJP, 2009 the Congress got 200 odd seats, they failed to deliver. 2014, 282 seats BJP has got. They have failed to provide, and they completely failed to live up to the expectation of all their promises. So I feel the regional parties will have a very, very important role whenever next parliament elections are held. And I'm of the opinion that K. Chandrasekhar Rao will play a very important role re-election and post-parliament election. You are saying that the Congress, though it has got a new president, but it has failed to perform, and it is becoming irrelevant post 2014, whatever election, how many elections we saw, but Congress is not a performer, or it has become an NPA, non-performing asset actually. Well, you see, all these adjectives I would not like to use, but I'm of the opinion that the country is looking towards regional parties. The country is looking towards those parties which are against BJP and Congress, and I am sure that K. Chandrasekhar Rao, after his yesterday's bold and far-sighted statement, will play a very important role. TDP is also very amid with its alliance partner BJP. You think now? Why TDP? Even Shiv Sena, they are sharing power. Both parties are sharing power. One has said we will not contest elections with them. TDP, Chandrababu Naidu. He only wants the implementation of the Act, AP Reorganization Act, which the BJP does not want to fulfill it. So being in alliance, the amount of anger which is being shown by Chandrababu Naidu and TDP, it is there for all to see. If TDP and Shiv Sena comes along with TRS, you will join? No, पहले शादी होने दीजिए, उसके बाद बच्चा होगा, बेटी होंगी, अब्दुल्ला नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, अभी कुछ वाई नहीं. तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट विच KCR हैज गिवन, दैट हैज टू बी वेलकम, एंड इट शोज हिज पॉलिटिकल फार साइटेडनेस. एंड आई एम अगेन रीटरेटिंग दैट के चंद्रशेखर राव हैज द पॉलिटिकल सेगासिटी एंड द विजन टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्री एंड पोस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन. सर, आप सपोर्ट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं उनके बयान का, लेकिन उनके बयान का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है. जो यहाँ की जो पार्टियां हैं,
अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस या बीजेपी, उनका ये कहना है कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी राजनीति करने वाले केसीआर हैं, ये वक्त को देख के पलटी मारते हैं। तो ये लोगों अभी ये नहीं, नहीं ये लोगों को जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन पे सपोर्ट किया, बेंड हो गए थे पीएम के सामने, अब मौके की नजाकत को देख के ये मूव कर रहे हैं। तो ये जाहिर है ना भाई कि इनके स्टेटमेंट के बाद तो इनको पेट में दर्द शुरू हो गया, तो इनका स्टेटमेंट तकलीफ पहुंचा रहा उनको, कल का इनका स्टेटमेंट कांग्रेस बीजेपी को परेशान कर रहा है, तो इसीलिए वो दर्द की अकासी अपने जुमलों से कर रहे हैं, मगर तीर तो निशाने पे लगा।